सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल सॉल्यूशन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं पार्थ और आप देख रहे हैं टेक्निकल सॉल्यूशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा आप पेटीएम से कैसे इंस्टेंटली 75 रुपये जो है इनकम कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत आसान उपाय है, तो इसमें आपको कुछ जो है रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, तो आप जो है इंस्टेंटली 75 रुपये का पेटीएम कैश पा सकते हैं। और मैं आपको आज ये प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि आप कैसे करके जो है 75 रुपये अपने पेटीएम अकाउंट में कैश पा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो का नीचे लाइक का बटन है, उस लाइक बटन पर आप क्लिक कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी से नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है वहाँ पे क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। उससे क्या होगा, इस चैनल पर जितना भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, अभी आपको दिखा देते कि कैसे करके आप पेटीएम पे 75 रुपये जो है इंस्टेंटली इनकम कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत आसान उपाय है। सबसे पहले आप एक पेटीएम का अकाउंट खोल लीजिए। अगर आपके पास ऑलरेडी पेटीएम का अकाउंट खुला हुआ है तो सबसे पहले आप उस पेटीएम अकाउंट को KYC करवा लीजिए अपने नज़दीकी कोई भी शॉप से। बहुत सारा शॉप ऐसा होता है जो कि पेटीएम का KYC करते हैं, जैसे कि आप अपने सिम का आधार लिंक करवाते हैं वैसे ही पेटीएम का भी आधार लिंक करवाना पड़ता है। तो उसके लिए दोस्तों, आपको जो है सबसे पहले अपना पेटीएम नंबर को आधार कार्ड के साथ लिंक करवाना है पेटीएम KYC के थ्रू, ठीक है ना। तो अभी आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा दुकान पे जो है पेटीएम का KYC करता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करके आपको करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, मैं चलिए यहाँ पे पेटीएम को सबसे पहले क्लोज कर देता हूँ और फिर से जो है इसको ओपन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास पेटीएम का एप्लीकेशन है, तो इसको मैं ओपन कर लिया। तो ओपन कर लेने के बाद दोस्तों, ऊपर की तरफ आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र सब कुछ यहाँ पे ऑप्शन जो है, तो ये ऑप्शन को आपको सबसे लास्ट में ले जाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नियर बाई KYC पॉइंट लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर आपको जो है क्लिक कर देना है। अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना भी आपके आसपास KYC पॉइंट है सब यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे मेरा यहाँ पे जितना सारा KYC पॉइंट है तो वो सारा यहाँ पे शो कर रहा है। वैसे ही आप जहाँ जिस एरिया पे रहेंगे वहाँ पे आप अगर ऐसे ऑप्शन को ओपन करेंगे तो आपके आसपास में जितना सारा KYC पॉइंट है वो सारा आपको यहाँ पे ऑप्शन शो कर देगा। सभी दुकानदार का जो है नाम, नंबर, सब कुछ दिखा देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉल का बटन दिया गया है, अब अगर इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो KYC पॉइंट के पास कॉल चला जाएगा और आप डिटेल्स से और भी पूछ सकते हो कि उनका जो शॉप है वो कहाँ पे है, या फिर आप देख सकते हैं बगल में इसका जो डिस्टेंस है वो भी यहाँ पे दिखा दे रहा है, 0.5 किलोमीटर या फिर 0.58 किलोमीटर, मतलब सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल्स दिखा देगा, यहाँ पे एड्रेस भी शो कर देगा, है ना। तो आप इस तरीके से उस पॉइंट का जो है डिटेल्स निकाल सकते हो कि KYC कहाँ पर होता है। तो ये तो हो गया दोस्तों आपको सबसे पहला स्टेप कि आप अपना पेटीएम का KYC करवाना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर KYC पॉइंट को जो है, मेरा जो नंबर है उसको KYC कंप्लीट कर लिया हूँ, तो मुझे अभी करने का ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली जो है आपको दिखा देता हूँ कैसे करके आप जो है 75 रुपये का इनकम कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको करना क्या पड़ेगा, या तो आप कोई भी मोबाइल रिचार्ज करो, या DTH रिचार्ज करो, या फिर इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट करो, ठीक है ना। ये तीनों चीज़ पर आपको जो है 75 रुपये का कैश मिलेगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, वो तीनों चीज़ जो है मोबाइल रिचार्ज, डिश रिचार्ज और इलेक्ट्रिसिटी बिल पे। तो यहाँ पे मैं दोस्तों आपको दिखा दूँगा मोबाइल रिचार्ज करके कि आपको कैसे करके 75 रुपये का कैश मिलेगा। दोस्तों, बहुत आसान उपाय है, आपको मिनिमम 100 रुपये का रिचार्ज करना है, ऊपर आप कितना भी कर सकते हो, मतलब 110, 20, 30, 40 जितना भी हो सकता है, 200, 300 कर सकते हो आप, लेकिन मिनिमम आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि मिनिमम आपको जो है 100 रुपये का रिचार्ज या फिर बिल पेमेंट या फिर डिश रिचार्ज जो भी है आपको करना ही पड़ेगा, मिनिमम 100 रुपये का होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ आपको, मैं ऑलरेडी 75 रुपये का जो है कैशबैक ले चुका हूँ और ये ऑफ़र आपको एक ही बार मिलेगा, मतलब एक नंबर पर एक ही बार आपको ये ऑफ़र मिलेगा। आप सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर को KYC करवा लो और उसके बाद ही आप जो है उसी दिन इस प्रोसेस को यूज़ करो, ठीक। तो यहाँ पे मैं दोस्तों आपको दिखा दूँगा मोबाइल रिचार्ज करके कि आपको कैसे करके 75 रुपये का कैश मिलेगा। दोस्तों, बहुत आसान उपाय है, आपको मिनिमम 100 रुपये का रिचार्ज करना है, ऊपर आप कितना भी कर सकते हो, मतलब 110, 20, 30, 40 जितना भी हो सकता है, 200, 300 कर सकते हो आप, लेकिन मिनिमम आपको एक
चीज़ याद रखना पड़ेगा कि मिनिमम आपको जो है 100 रुपये का रिचार्ज या फिर बिल पेमेंट या फिर डिश रिचार्ज जो भी है आपको करना ही पड़ेगा, मिनिमम 100 रुपये का होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ आपको, मैं ऑलरेडी 75 रुपये का जो है कैशबैक ले चुका हूँ और ये ऑफ़र आपको एक ही बार मिलेगा, मतलब एक नंबर पे एक ही बार आपको ये ऑफ़र मिलेगा। आप सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर को KYC करवा लो और उसके बाद ही आप जो है उसी दिन इस प्रोसेस को यूज़ करो, ठीक है ना। आप अगर KYC नहीं करोगे तो आपको जो है ये ऑफ़र नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे मोबाइल प्रीपेड पे ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे चलिए मैं कोई भी एक नंबर जो है डायल कर देता हूँ। चलिए मेरा ये नंबर है तो मैं यहाँ पे ये नंबर को सिलेक्ट कर लिया हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे चलिए मैं 100 का ऑप्शन सेलेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड का जो ऑप्शन है इसको आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको अमाउंट भर देना है 100 रुपये का और उसके बाद आपको कुछ भी जो है यहाँ पे नहीं करना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको प्रोसेस रिचार्ज पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही यहाँ पे प्रोसेस रिचार्ज पे क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे हैव ए प्रोमो कोड लिखा हुआ है, ठीक है ना, नीचे की तरफ यहाँ पे। तो आपको क्या करना हैव ए प्रोमो कोड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर में KYC लिखना है, KYC, ठीक है ना। यहाँ पे आपको KYC लिखना है और उसके बाद अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस कोड कैन बी यूज़ वन टाइम पर यूज़र लिखा हुआ है, यानी कि मैं यहाँ पे पहले से इस कोड को जो है यूज़ कर चुका हूँ तो मैं दोबारा जो है इस कोड को यूज़ नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मैं आपको प्रूफ दिखा दूँगा कि मुझे जो है 75 रुपये कैशबैक मिल चुका है। तो आप जैसे ही यहाँ पे KYC करोगे तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे प्रोसेस टू पे पे क्लिक कर दोगे और आपको जो है तुरंत ही 75 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा। दोस्तों इंस्टेंटली आपको जो है 75 रुपये कैशबैक मिल जाएगा, इसमें कुछ भी देर नहीं होता है, जैसे 24 घंटा या फिर 72 घंटा ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको जो है इंस्टेंटली 75 रुपये का कैशबैक मिल जाता है, कुछ भी देर नहीं होता है। तो आइए मैं अभी आपको ये प्रूफ दिखा देता हूँ कि मुझे जो है 75 रुपये कैशबैक मिला है। तो सबसे पहले पासबुक पे चला जाता हूँ और उसके बाद पेटीएम वॉलेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जो है 135 रुपये का मोबाइल रिचार्ज किया था और मुझे यहाँ पे 75 रुपये का जो है कैशबैक मिला था। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे की तरफ प्रोमो कोड लिखा हुआ है KYC, मैंने KYC जो है प्रोमो कोड दिया था और मुझे जो है 75 रुपये का कैशबैक मिल गया था इंस्टेंटली, ठीक है ना। मैं देख सकते हैं आप यहाँ पे 75 रुपये का जो है मुझे कैशबैक मिला था और मैंने प्रोमो कोड यूज़ किया था KYC। तो इस तरीके से आप जो है 75 रुपये का कैशबैक पा सकते हैं इंस्टेंटली और ये ऑफ़र फ़िलहाल पेटीएम के ऊपर अवेलेबल है। तो आप जितना जल्दी हो सके इस प्रोसेस को यूज़ कर ले और आपको अगर कुछ दिक्कत हो रहा है समझने में या फिर कुछ भी तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। और दोस्तों चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद, वंदे मातरम।